जो कुड बूस्ट इंडिया जीडीपी। तो क्या है भैया, यह एक जो प्रोपिगेंडा है भाई, जो वेस्टर्न कंट्री, जितने भी वेस्टर्न कंट्री है ना, वेस्टर्न कंट्री हैं, तो ये कंट्रीज तो डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है। क्लाइमेट चेंज हुए, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। जो आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, सबसे बड़ा जो कारण है उसमें, जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोप है, उसमें जो अपने आप को जो बहुत साफ सुथरा जो कंट्री बता रहा है, बताता है कि भाई, बताते हैं सर जो यूरोप के कंट्री है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत साफ साफ हैं इस तरह से। लेकिन पहले यूरोप ने पूरी दुनिया को पूरा यहाँ से लूटा, अलग अलग जगह पर जो उसने जो कॉलोनियाँ बनाई, अमेरिका में, अफ्रीका में, इस तरह से साउथ अफ्रीका में, तो सबसे जो सबको लूटा, और लूट कर जो अपने यहाँ जो पैसा जो यहाँ से ले गया, और उसके पास जो पैसा बहुत ज़्यादा हुआ, तो फिर उसने जो रिसर्च सेंटर, जो R&D वगैरह अपनी बनाई, और जो वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने लगा, तो उस वहाँ पे पोल्यूशन इस वजह से कम होने लगा भाई, सारी चीज़ें डेवलप हुई। आज जो प्रॉब्लम हुआ है ना, वो वास्तविक में जिम्मेदार वही है इंडिया ने, जो अभी तक जो डेवलपमेंट का जो पाथ स्टार्ट किया है, जो इंडिया अब जो ग्रो करेगा भाई, स्टार्ट अभी इसने इंडिया ने किया है कि भाई कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें, वो तो पहले कर चुके हैं, जो सब लूट के ले लेके जा चुके। तो हमारी प्रॉब्लम, जो हमारी जो प्रॉब्लम है ना, पोल्यूशन के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें भाई, पॉपुलेशन है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को हम बनाएंगे, उस एनर्जी का जो सोर्स हमारा जो चीफ होगा, तो हम कोयले से यूज कर सकते, कोयला हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है बड़ी मात्रा में, और हम जो फॉसिल फ्यूल्स, जो जीवाश्म ईंधन का, उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो दीज फ्यूल्स आर द डर्टी फ्यूल्स, से जो बहुत अधिक, जो बहुत मात्रा में क्या निकलती है, CO2 अमेजन होती है, और अन्य जो ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं, जैसे एटमोसफेयर में रिलीज होती हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे क्या है। मैंने एक जो एक ब्रीफ आपको बताया है, उसके बाद दुनिया का सबसे अधिक धीरे धीरे तापमान यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारे देश में के पास जो रोटी कपड़ा मकान नहीं है, तो हम उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये नहीं कि हमारे अंडे पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो खर्च कर सकें इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि अगर भारत जो नेट जीरो को प्राप्त कर लेता है, तो भारत की GDP जो बढ़ जाएगी, तो इसमें सारी चीज़ें ये है। अगर हम 2047 2070 तक का हमारा लक्ष्य है, जैसे भाई जो अभी हुआ था ना, जो COP26 हुआ था ग्लासगो में, तो हमारे मोदी जी ने रखा थे बात कि भाई हम 2070 तक अचीव कर लेंगे नेट जीरो कार्बन के लिए। तो नेट जीरो कार्बन का मतलब है जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, उतनी हम जो बैलेंस हो जाएगी, वो इतने हम पेड़ पौधे इस तरह से मेंटेन करके रखेंगे, सब चीज़ें तो हो जाएगी। तो इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे क्या है, क्या मैटर है पूरा। तो अचीविंग द 2070s, तो ये हमारा नेट जीरो टारगेट्स वुड बी द बूस्ट इंडिया GDP रिपोर्ट। तो ये हमारा द कंजर्वेशन रिलेटेड जो इश्यूज में, तो इससे देखते हैं भाई, इसमें जो GS पेपर थर्ड में रखेंगे इसको। तो नेट जीरो टारगेट्स द कुड द बूस्ट ऑफ इंडिया इन GDP, द अचीविंग द नेट कार्बन एमिशन 2070, द टारगेट द PM कमिटेड टू द ग्लासगो 2021। तो ग्लासगो में हमारे जो प्रधानमंत्री ने इसको कमेंट किया था, द कुड बूस्ट द इंडियाज द इकोनॉमी बाय द 4.7% अबाउट द प्रोजेक्टेड द बेसलाइन ग्रोथ ऑफ द GDP टर्म्स ऑफ बाय द 2036। 2070 तक जो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना एक लक्ष्य, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ग्लासगो में करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, और 2036 तक जो जो सकल ऊपर घरेलू उत्पाद है हमारा, वो GDP जो आधारभूत वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था को जो 4.7% को तक बढ़ जाएगी इससे, अगर 2036 तक हम जो इसको अचीव करते हैं तो इस तरह से। और अब ये आगे बता रहे हैं कि हमें तो किसके फायदे बता रहे हैं कि जल्दी कर लोगे तो देखो कितने फायदे हो सकते हैं, जो फिर इससे प्रेशर भी बनाया जाएगा हमारे ऊपर अप्लाई करने के लिए। एशिया का जो नेट जीरो लाने के लिए उच्च स्तरीय जो नीति के द्वारा जो जारी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के क्या नाम है, आउटकम्स ऑफ द रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट का परिणाम है भाई, 2047 तक जो 15 मिलियन रोजगार सृजित करना है, जो इतने जो हमें जो एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे रोजगार बन जाएंगे इस तरह से, अगर तुम इस तरह 2047 तक इसको अप्लाई कर देते हो, 2070 का जो लक्ष्य है उसको 2047 में अगर कन्वर्ट कर सकते, तब तक जो कन्वर्ट कर दोगे तो भी देखो इतने जो 15 मिलियन रोजगार नए आ जाएंगे, और सकारात्मक जो आर्थिक प्रभाव से आंशिक रूप से जीवाश्म जो कम मांगे के कारण जो 236 मिलियन डॉलर के तहत जो व्यापार संतुलन के संचालित होगी, तो व्यापार में भी इंक्रीमेंट होगा इस तरह से। इसके अलावा जो अपनी ऊर्जा प्रणाली अर्थव्यवस्था को जो डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए जो व्यर्थ नीति विकल्पों और अधिकतम करने के लिए सदी के जो माध्यम से शुद्ध कार्बन उत्सर्जन की ओर अग्रसर कर सकता है। तो ये 2025 तक जो शुद्ध कार्बन जो पहुंचकर जो भारत वार्षिक घरेलू उत्पाद को जो 7.3% यानी कि 470 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है। यह मौजूदा नीतियों के की तुलना में जो 2032 तक
20 मिलियन के अतिरिक्त जो रोजगार सृजित कर सकता है। 2070 में एक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लिए अब जो 10.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था व्यापी जो निवेश के लिए अर्थव्यवस्था होगी, जो 2050 तक जो 13.5 ट्रिलियन डॉलर की बात करता है। तो रिकमेंडेशन क्या क्या, अनुशंसा क्या है, भारत जो शुद्ध कार्बन जो महत्वपूर्ण केवल जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण है, वे देश में अतिरिक्त जो सतत जो हमारा सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट है उसको भी हम जो पहले ही अचीव कर लेंगे और जो समावेशी और विकास के लिए एक भी वरदान होगा अगर इस तरह से कर लेते हैं। देखो अच्छी बात तो ही है, तो इन भाई देखो सारी जॉब भी आएंगी और भी चीज़ें आएंगी, पर देखो हम उस चीज़ को भाई पहले हमारा जो आज के टाइम में रोटी कपड़ा है उसकी तरफ जूझ रहा है तो उसको पहले, तो इसको तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे नहीं है देखो, ऐसे में मान लिया हमने जैसे ये कहा श्रीलंका में एकदम से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती ला दी, थोड़ा धीरे धीरे बदलाव होता है तो इस तरह से उसमें फिर नहीं तो उसके प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम होती है और उसके परिणाम गलत निकलते हैं। कार्बन टैक्स जैसी जो जलवायु नीतियों के नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए अतिरिक्त जो वित्त मौजूदा संसाधनों को मुक्त करेगा। और नेट शून्य क्या है भाई, नेट जीरो क्या है, इसे कार्बन तटस्थ भी कहा जाता है। मतलब यह नहीं है कि जो कोई देश में अपने जो उत्सर्जन को शून्य पर लगाया लाएगा। जो ग्रास जीरो का तब होगा, जो मतलब होगा ऐसे राज्य तक, ऐसे राज्य में पहुंचना जहां बिल्कुल भी उत्सर्जन न हो, ऐसी प्रदेश न जिसे समझना मुश्किल है। नेट जीरो एक ऐसा राज्य है जिसमें जो राज्य का मतलब देश है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की जो भरपाई जो वातावरण की ग्रीन हाउस के जो अवशिष्ट हटाने से होती है। अब जो इंडिया इज द कमिटेड द ड्यूरिंग द COP26 जो सबमिटेड इन ग्लासगो में हुई थी भाई, तो 2001 में हुई थी। तो ग्लासगो में जो COP26 के शिखर सम्मेलन के दौरान जो भारत की जो प्रतिबद्धता क्या है, 2070 तक शुद्ध कार्बन जो उत्सर्जन को प्राप्त करना है, तो वो हमारी 2070 तक का कार्बन जो टारगेट है उसको पहले अचीव करने के लिए बोल रहे हैं, इस तरह से दिखाया जा रहा है हमें। जो फिर इस पे जो प्रेशर भी बनाया जाएगा इंडिया पे, भारत का सुनिश्चित करना है कि 2030 तक अपनी जो जो ऊर्जा का 50% नवीकरण ऊर्जा का स्रोत प्राप्त किया जाएगा और भारत की जो 2030 तक जो अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी आई करेगा। यह घरेलू यह सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता को भी जो 45% तक कम कर देगा और भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक सिस्टम को स्थापित करेगा जो अपने मौजूदा लक्ष्य से 50 गीगावाट की वृद्धि होगी। तो ये देखो सारे बात समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं है, जो हमारा 2070 तक हमारा लक्ष्य है उसको पहले लाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम आप पहले ला लोगे तो आपके यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी, आपकी जो इकोनॉमी वृद्धि हो जाएगी, आपकी GDP ग्रोथ करेगी, सारी चीज़ें ये दिखाया गया हमें। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं इससे, देखो ये मुद्दा समझ में आ गया होगा आपको। तो कोप या वो मुद्दा है, कोप हमारा 26 एंड इट्स आउटकम्स, तो नेट जीरो जो सिटीज़ क्या है और जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन क्या है और GDP, तो ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद इससे रिलेटेड। और देखो प्रीलियम स्पेसिफिक के लिए देख सकते हैं हम व्हाट इज़ द नेट जीरो और द कंट्रीज ऑफ द कमिटेड ऑफ नेट जीरो, द अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट क्या है भाई, COP26 समिट्स इन द ग्लासगो, मैंने ये नाम है पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड देख सकते हैं आप जो मैंने कई बार कराया हुआ पढ़े हुए हैं। तो नेट जीरो क्या है भाई, नेट जीरो के लिए प्रतिबद्ध देश कौन सा है भाई, जो पेरिस समझौते में के बारे में और ग्लासगो जो 26 शिखर सम्मेलन। तो ये देखो UPSC से आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका क्वेश्चन इस तरह से। ये हमारा शुद्ध जो शुद्ध कार्बन जो शून्य उत्सर्जन के निम्नलिखित में से जो कथनों पर विचार कीजिए, एक है हमारा पहला हम ऑप्शन है हमारा, यह किसी ऐसी स्थिति है जिसमें जो देश पूर्व जो औद्योगिक स्तरों पर जो आधार सीमा के रूप में लेते हुए जो अपने उत्सर्जन को शून्य कर लाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा, भारत अभी तक जो नेट जीरो जो टाइमलाइन के लिए प्रतिबद्ध नहीं है उस पर दिए